माई फ्रेंड मैं सूरी। तो आज मैं आप लोगों से बहुत खूबसूरत कुछ क्रीपिंग बेल वाइन जो भी बोल लीजिए वो सारे प्लांट शेयर करूँगी। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है जिस दिन मैं कमलेश नर्सरी गई थी उस दिन का है। अभी भी ये प्लांट है उनके पास और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर वगैरह दे दूँगी, आप पूछ सकते हैं ये प्लांट है कि नहीं। अभी है क्योंकि मैंने अपने दूसरे चैनल नेचर अराउंड मी में आज बेस्ट 15 क्रीपिंग प्लांट डाला हुआ है। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये प्लांट कहाँ मिलेंगे और उसकी प्राइस क्या होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं उस दिन शूट करके लेके आई थी, आप लोगों से प्राइस शेयर कर दूँ और जिन्हें लेना है वो ले जा सकते हैं। और प्लांट की ग्रोथ देखा जाए तो बहुत हेल्दी है और ये जितने भी बेल हैं आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत छोटी वाला, इनके पास एडेनियम वगैरह भी है। तो ये भी इसके भी दाम मैं शेयर कर दूँगी कितने में है। और बहुत यूनिक है, शुभ प्लांट है ये, जितने भी बेल हैं पॉट में ग्रो कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट बोला जाए, ये बहुत इजी केयर करना है इनको। और जितने कुछ शुभ प्लांट है जो कि 20 रुपीज़ से भी स्टार्ट है, 50 रुपीज़ वाले भी हैं। तो जो भी है मैं प्राइस के साथ शेयर करूँगी ये, और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बस आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। बहुत खूबसूरत, सबसे पहले देखिए स्काई ब्लू ये चित्रक है और इसे आप 100 रुपीज में ले जा सकते हैं। बहुत हेल्दी प्लांट है, पॉट में लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये साइप्रस वाइन है, गणेश बेल बोलते हैं, और देख ही सकते हैं पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो ये आप यहाँ से 200 में ले जा सकते हैं। इसमें तो बीज भी लगी हुई है, तो अगर ले जाइएगा तो बीज से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और ये आपके ये कनेर है, कनेर आपको 2-3 कलर में मिल जाएगा। तो बहुत सारा प्लांट पॉट में 6 इंच के पॉट में लगा हुआ रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये 100 रुपीज़ में होगा, आप दाम पूछ लीजिएगा। और ये मधुकामनी है तो ये भी आप ले जा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है वहाँ पे। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट है मैम शेयर कर दीजिएगा, तो दाम पूछ लीजिएगा आप। और ये विनका है, तो विनका आप यहाँ से वाइट वाला और ये देसी वाला 20-20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। 20 रुपीज़ के प्लांट मैंने इससे पहले शेयर किया हुआ है, बहुत सारा है। तो चित्रक जरूर ले जाएं, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत ये फूलों वाला प्लांट है और ये वाइन भी हो जाता है। उसके बाद ये आप बोगनवेलिया वगैरह भी ले जा सकते हैं। और ये देखिए बहुत खूबसूरत गार्लिक वाइन है जो कि बहुत खूबसूरत और गार्लिक की तरह खुशबू आती है, और ये आपको वहाँ 200 में पॉट में लगा लगाया हुआ मिल जाएगा। और बहुत हेल्दी प्लांट है, देख ही सकते हैं बहुत खूबसूरत, इसके पर्पल लाइट पर्पल कलर होते हैं, तो ये भी आप ले जा सकते हैं। और उसके बाद कुछ इनके पास फ्रूट प्लांट भी है, फ्रूट प्लांट का बहुत अच्छा इनके पास कलेक्शन आया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा और कहिएगा तो मैं फ्रूट प्लांट इसके बाद शेयर कर दूंगी। काफ़ी अच्छा मैंगो वगैरह की कलेक्शन है, अमरूद वगैरह की कलेक्शन है, थाई वाली भी वैरायटी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फ्रूट प्लांट शेयर करूंगी क्या उसकी प्राइस है। और देखिए ये 1500 से शुरू है ये चोटी वाली एडेनियम, तो बहुत खूबसूरत एडेनियम का भी कलेक्शन है। मैंडाविला है तो ये भी 200 में आपको मिल जाएगा, और ये मुझे वाइट कलर दिखा तो आप दो कलर में, शायद पिंक कलर भी है, तो देख लीजिएगा पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। बहुत खूबसूरत बेल है, ये भी परमानेंट बेल है। अलमंडा भी आप वहाँ से ले सकते हैं, अलमंडा 80 रुपीज़ से शुरू है पॉली बैग में, और आपको ये लाइट पिंक वाला और येलो कलर वाला मिल जाएगा, और एक बुश वाला जो अलमंडा आता है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अलमंडा का अच्छा कलेक्शन है, और ये भी बहुत खूबसूरत वाइन है। और जो बुश वाला अलमंडा होता है तो उससे तो आप कांच छट के रखिएगा तो वो बहुत खूबसूरती से भर भर के फूल देता है। और ब्लीडिंग हार्ट आप ले जा सकते हैं, ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा ब्लीडिंग हार्ट, और देख ही सकते हैं फूलों से पूरा भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत ये बेल है। और ये सारे रेड सॉइल में लगे हुए हैं और छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन फूल देखिए कितने भर भर के आते हैं। तो बहुत खूबसूरत बेल है, इसे भी आप वहाँ से ले जा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और देखिए ये अलमंडा भी है, पीच कलर का है, तो
तो ये भी बहुत खूबसूरत कलर लगता है। तो बहुत सुंदर अलमंडा का ये कलर है। और ये बुश वाला है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, इसमें जो फूलों की क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा भर भर के आती है, तो ये 80 रुपीज़ में है। और इधर ये जो टिकोमा, ऑरेंज टिकोमा है, ये भी ले जा सकते हैं। ये हाइब्रिड वाला है, तो आप उनसे दाम पूछ लीजिएगा। तो ये भी, इनके भी प्लांट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा वहाँ प्लांट रखा हुआ है, आप फ़ोन करके इनसे दाम वगैरह पूछ सकते हैं। तो बहुत, मुझे तो इस बार इनके यहाँ का वाइन का क्रीपर का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। और ये सब बोगनवेलिया है, तो बोगनवेलिया इनके पॉट पर, ग्रोथ पर डिपेंड है, तो पूछ लीजिएगा कितने में है। 100 रुपीज़ से इनकी बोगनवेलिया स्टार्ट है। तो मुझे दाम में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे, तो प्राइस पॉट और उसकी ग्रोथ पर डिपेंड है। पॉली बैग की अलग प्राइस है, पॉट की अलग प्राइस है। और इनके यहाँ ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत ये गुच्छों वाला हिबिस्कस है, तो मैं 50 रुपीज़ में लेके आई थी बहुत पहले, तो आप पूछ लीजिएगा कि क्या प्राइस है। पॉट की अलग प्राइस है और पॉली बैग की अलग प्राइस है। मैं पॉट में लेके आई थी 50 रुपीज़ में, अभी क्या प्राइस है पता नहीं है। ये वेरीगेटेड वाला हिबिस्कस भी आपको वहाँ मिल जाएगा। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट का बहुत अच्छा कलेक्शन है, जेट्रोफा वगैरह है, तो जेट्रोफा 100 रुपीज़ में है, कुछ काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो दाम में मैं बहुत दिनों बाद मैं भूल गई हूँ क्या है, लेकिन आप ये सारे प्लांट ले जा सकते हैं। ये परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। देखिए इधर हनी शक्कर है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, येलो कलर वाला हनी शक्कर है, शक्ल है। और ये आपको यहाँ 200 में मिल जाएगा। तो बहुत यूनिक वाइन है, ये फ्लावरिंग वाइन है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसमें से। और ये बहुत कम नर्सरियों में दिखने को मिलता है, तो आप यहाँ से ये ले जा सकते हैं। तो किसी ने पूछा था कि मैम इसकी प्राइस बता दीजिएगा। और मधुमालती भी ले जा सकते हैं, देसी वाला मधुमालती आप यहाँ से 50 रुपीज़ में स्टार्ट है, तो 50 रुपीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ वाला आपको मधुमालती देसी वाली मिल जाएगी। और हाइब्रिड वाली आप पूछ लीजिएगा कि क्या प्राइस है, और देख ही सकते हैं कि ये हाइब्रिड वाली है, भर भर के फूल आ रहे हैं इसमें, तो बहुत खूबसूरत मधुमालती है, बहुत अच्छी इसमें भी खुशबू आती है। और ये हनी शक्ल तो बहुत, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने इसे सून के देखा। तो यहाँ से वाइन ले जाएं, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। और ये तो गणेश विल, तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया मैं, तो मैंने तो लिया नहीं है, मैंने बीजों से ग्रो किया हुआ है। और यहाँ आपको लगा लगाया हुआ पॉट में बहुत सारे इसमें बीज भी बन रहे थे, तो आप वहाँ से ले आएँ, बहुत खूबसूरत वाइन की कलेक्शन है। इसके अलावा आप यहाँ से अपराजिता भी ले जा सकते हैं, 20 रुपीज़ में ट्रम्पेट वाइन है। और बहुत फ्लेम वाइन, बहुत सारे इनके पास वाइन है जो कि मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो वहाँ से ला सकते हैं। तो बहुत इसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत होती है, और फूल तो फूल खूबसूरत होते ही हैं। और इसके बीज मैंने बहुत लोगों को दिए हुए भी हैं, तो इस वाइन को ज़रूर लगाएं, इनके यहाँ बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है, बीज भी कहीं से मिले तो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रीपिंग रोज भी ले ला सकते हैं, रोज की बहुत सुंदर कलेक्शन है यहाँ पर, 80 से 100 रुपीज़ के बीच है। जो क्रीपिंग रोज है, जो वाइन वाली रोज है, आपको यहाँ 150 में मिल जाएगी। देखिए कुछ फ्लावर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैं देख रही थी, क्योंकि रोज़ से तो मेरा मन ही नहीं भरता है, जितना भी ले लो। तो बहुत सुंदर कलेक्शन है, आप जाएँ वहाँ से ले के आएँ। और मेरी एक व्यूअर बोली थी कि मैम गार्लिक वाइन आप ले लीजिएगा, तो रविंदर जी एक्चुअली ये पॉट में लगा हुआ है 10 इंच के, अगर पॉली बैग में मिला तो मैं ज़रूर ले लूँगी। और देख ही सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, तो मेरे पास भी है, तो 200 में ये पॉट के साथ है, और पॉली बैग में अभी नहीं आया हुआ है इनके पास। तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा कौन कौन से प्लांट हैं। क्रीपर वाले बहुत अच्छे कलेक्शन हैं, स्पेशली फ्रूट प्लांट भी इनके पास आया हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फ्रूट प्लांट शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए ये जो ये क्लाइमेटिक स्वाइन है, तो ये आप वहाँ से 150 में ले जा सकते हैं, ये भी रेड सॉइल में लगा हुआ है, देख ही सकते हैं बहुत भर भर के फूल आते हैं, बहुत खुशबू वाला ये वाइन है। और जब ये फूलों से भर जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, ये स्टार की तरह इसमें फूल आते हैं। इस बार मैंने भी अपने गार्डन में शामिल किया है, तो मेरा तो उतना बड़ा प्लांट नहीं है,
और मैंने 80 रुपीज़ में लिया था। और देखिए इनके यहाँ ये खूबसूरत चंपा भी ला सकते हैं, 150 में है। तो कुछ ही प्लांट इनके पास बचे हैं, जब कलकत्ते वाले जब इनके आए थे प्लांट तभी आया हुआ था। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।